गाइस व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज गुरुसन। स्वागत है आपका फिर से एक धमाकेदार वीडियो में। तो हम आज भी सब वर्कआउट जाने वाले हैं। अभी बारिश चालू हो गई है तो चलो चलते हैं और देखते हैं। और रहा भी सब वर्कआउट मेरे पीछे ही है। बारिश चालू हो गई है। अभी मैं माल्यवाड़ी गांव में रुका हूँ और थोड़ी देर के बाद जाएंगे ऊपर, क्योंकि मैं रेनकोट लाना भूल गया है गाइस। तो चलो, थोड़ी सी बारिश रुक चुकी है, अभी चलते हैं। गाइस किले के बेस पे आ चुके हैं और पार्किंग वहाँ पे की है। टू व्हीलर का 30 रुपये चार्जेस और 4 व्हीलर का 50 रुपये। अभी भी बारिश चालू है तो चलो। गाइस पूरा कीचड़ कीचड़ हो चुका है, ठंड भी लग रही है। गाइस ये रास्ता बहुत रिस्की है बारिश के टाइम पर। पूरा यहाँ पे एक बड़ा झरना बन जाता है, तो यहाँ पे बारिश के टाइम पे मत आओ, क्योंकि अभी बारिश उतनी नहीं है। इसलिए मैं आया हूँ यहाँ से। आप लोहगढ़ फोर्ट से उस साइड से भी आ सकते हो, वहाँ उस साइड से ही रास्ता है। गाइस ये देख सकते हो रास्ता कैसे बारिश के कारण पूरा तहस नहस हो गए। ये देख सकते हो, बारिश के टाइम पे इधर साला भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरा पानी रहता है और जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। और यहाँ पे पत्थर में बनाया हुआ वाटर टैंक है, आपको दिखाता हूँ। अभी पानी खराब हो चुका है इसके अंदर। वो इतना बड़ा कमरा, ये एक है और इस साइड एक है, और अंदर से दीवार है, दिख रही ना दीवार। गाइस किले के ऊपर आ चुके हैं, ये रहा महादरवाजा। अभी दरवाजा तो नहीं है, यहाँ पे टूट गया है। और यहाँ पे एक तोफ रखी हुई है, दो तोफ है, एक छोटी एक बड़ी। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि यहाँ से मत आओ आप, लोहगढ़ के साइड से एक रास्ता है, वहाँ से आ सकते हो, क्योंकि यहाँ का रास्ता बहुत रिस्की है और पहाड़ी इलाका है पूरा। तो यहाँ से मत आओ, क्योंकि रास्ता भटक सकते हो आप। यहाँ पे एक है तोफ और दूसरी वहाँ पे है। तो अभी गाइज यहाँ पे टैंक बने हुए हैं, वाटर टैंक, तो वो देखेंगे, उसके बाद जाएंगे महादेव मंदिर की तरफ, देन उसके बाद एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे। तो वीडियो को एंड तक देखना। गाइज यहाँ पे 3-4 तालाब है, यहाँ पे है, यहाँ पे एक है, वहाँ पे एक है और उधर वाले। गाइज ये है तालाब, अभी पानी नहीं है, सूखा है, अभी बारिश के टाइम पे पूरा भर जाता है। देन एक दूसरा उधर है और यहाँ पे है महादेव मंदिर। तो चलो गाइज अभी हम आ चुके हैं महादेव मंदिर। का निर्माण 1713 से लेकर 1720 के दौरान मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ जी के द्वारा बनाया गया था। गाइस देख सकते हो पूरी दीवार टूट चुकी है यहाँ पे। ये देख सकते हो यहाँ से अंदर का पूरा भाग नीचे गिर चुका है बारिश के कारण। ये देख सकते हो, you
गाइज ये बड़ी इमारत है और देख सकते हो अभी पूरा टूट चुकी है ये, और इसके अंदर पहले के ज़माने में अनाज रखा करते थे। आपको दिखाता हूँ, आप जो ये होल देख रहे हो ना, ये वाले, ये ऐसे हर जगह पे होल है। ये होल इसलिए बनाया गया था क्योंकि अंदर हवा आके अनाज ख़राब ना हो। ये देख सकते हो कितनी बड़ी है, इसकी छत पूरा टूट चुकी है अभी। गाइस इमारत से कुछ ही दूरी पर यहाँ पे एक वास्तु है, देख सकते हो पूरा खंडर हो चुकी है अभी। आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो, पूरी टूट चुकी है, पूरा खंडर हो चुका है। यहाँ से देख सकते हो, गाइस यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही एडवेंचर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।